पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ की ओर से मैं नेहा मिश्रा जोगराम राणावत की खास खबर पर एक नजर। ओसिया वन चौकी में अव्यवस्थाओं का आलम, डॉक्टर व मेडिसिन का अभाव, नहीं लेने वाला है कोई सूद। जोधपुर के ओसिया स्थित वन चौकी के अव्यवस्थाओं का आलम धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा है। वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से घायल हिरणों को उपखंड मुख्यालय स्थित वन चौकी लाया जाता है। इस चौकी में वन्य जीवों के उपचार के लिए न ही कोई डॉक्टर की व्यवस्था है और न ही पर्याप्त मेडिसिन की। वही वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्य के प्रति कितने सजग है, इसका एक अनूठा उदाहरण मंगलवार को देखने को मिला। गौरतलब है कि ओसिया उपखंड के निकटवर्ती मोटानिया नगर गांव में एक हिरण को शैवानों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हिरण के चीखने की आवाज पर आसपास के मौजूद ग्रामीणों ने उसे कुत्ते से बचाया और वन विभाग को सूचित किया। वही विभाग के अधिकारियों ने गाड़ी नहीं होने का कहते हुए ग्रामीणों की बात को अनदेखा कर गाड़ी आने पर शाम तक आने का बोल दिया। फिर ग्रामीणों के बार बार फोन आने पर विभाग ने अपने एक कर्मचारी को मोटरसाइकिल पर हिरण को लाने भेज दिया, परंतु वन्य जीव प्रेमियों ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए मोटरसाइकिल पर हिरण को ले जाने से मना कर दिया। फिर जीव रक्षा बापिनी अध्यक्ष सुनील बांगडवा ने अपनी गाड़ी से हिरण को ओसिया पहुंचाया और प्राथमिक उपचार करवाने के बाद घायल हिरण वन विभाग को सुपुर्द किया। मैं सुनील बांगडवा, जीव रक्षा अध्यक्ष बापिनी। मुझे सुबह सूचना मिली कि मोटानिया नगर में एक हिरण को कुत्तों ने घायल कर दिया, जिसमें मौके पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार करवाया और वन विभाग टीम को सूचना देने पर बावजूद भी कोई नहीं आ पाया तो मैंने मेरी निजी वाहन से ओसिया पहुंचाया। तो आप हिरण को बाइक पर कैसे ला सकते हो? बाइक कोई बात नहीं, हम गाड़ी भेजते हैं, गाड़ी से लाते हैं। नहीं, ऐसा हमारे पास है, उनके सर ऑन रिकॉर्डेड है और ले रहे थे। और आपकी जीप को जोधपुर बताया गया जो कि इधर मौजूद है अभी? नहीं, ये तो जा रही थी वो। आपके अधिकारियों ने इस जीप को जोधपुर में होना बताया गया है, जो ये जीप अभी सामने है।